आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, ये टॉपिक जो है एक्चुअल में एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। छोटा भी है, सिंपल भी है। और हम लोगों का यहाँ पे हम लोग मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत छोटा और सिंपल टॉपिक है। तो हम लोगों का न्यू टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये करते हैं। तो देखो होता क्या है इस चैप्टर में, हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे आप रिएक्शंस जब करवाते हो तो देखो स्टार्टिंग में तो मोल कॉन्सेप्ट में ये अज्यूम किया जाता है कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी चैप्टर में हम लोगों ने इफिशियंसी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि कई बार रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में यही करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना कंप्लीट होता है और कितना प्रोडक्ट मतलब बनता है और किस किस फैक्टर पे मतलब एक रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इसमें लिखो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितना एक्सटेंट में कंप्लीट हुआ, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हम लोगों को इस चैप्टर में करना है, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग सारा फोकस इस बात पे करेंगे कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो होता क्या है, रिएक्टेंट अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो, देखो इफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जैसे एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, रिएक्शन कुछ देर बाद क्या है कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आपको लगेगा बंद हो गया, मतलब आपको ऐसा फील होगा। तो वहां पे क्या होगा, आप जो मतलब रिजल्टिंग जो मिक्सर देखोगे उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो बना है वो होगा और साथ में अरे जो गैस मतलब रिएक्टेंट जो बच गया वो भी तो प्रेजेंट होगा। अरे ऐसे समझो, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, कुछ देर बाद जो है कन्वर्जन बंद हो गया। ठीक है, मतलब रिएक्शन आप कह सकते हो कि स्टॉप हो गई या फिर रिएक्शन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अब वहाँ पे देखो रिएक्टेंट भी होगा और अब वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट भी होगा, मतलब हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सर होगा वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट नहीं बचता, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो इन 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 इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन इन इरिवर्सिबल रिएक्शन फाइनल मिक्सचर डज नॉट कंटेन रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो लिखो मेनी रिएक्शन आर नॉट कंप्लीटेड, दे आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग मिक्सर कंटेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज वेल एज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो प्रोडक्ट जो बना वो तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट हमारा बच गया वो भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट आपका नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनता है वो भी प्रेजेंट होता है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बच जाता है वो भी होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इरिवर्सिबल के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा रिवर्सिबल के बारे में लिख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो भाई, हेडिंग लिखो
देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो भाई, देखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें नॉर्मली रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग ऐसे रिएक्शन को ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। तो अब देखो होगा क्या कि आप किस तरीके के रिएक्शंस को जैसे बोल सकते हो कि ये मतलब ये इरिवर्सिबल है। देखो होता एक्चुअल में क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल होते हैं और कुछ एक रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। आप रिएक्टेंट को देख के, मतलब आप रिएक्टेंट को देख के कभी ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। पर कुछ एक फेमस रिएक्शन है जिसको आप देख के कन्फर्म कह सकते हो कि वो इरिवर्सिबल है। पर नॉर्मली आप किसी रिएक्शंस को देख के थोड़ी ना बता सकते हो भाई वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। अरे जैसे मान लो कि मान लो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो आप उसका सिर्फ फेस देख के थोड़ी ना बता सकते कि इंटेलिजेंट है या कैसा है। अरे उससे थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा, थोड़ा पूछना पड़ेगा, तब पता चलता है। तो वैसे ही आप किसी रिएक्शन का सिर्फ देख के थोड़ी ना बता पाओगे कि रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तभी आप मतलब डिसाइड कर पाते हो। पर कुछ रिएक्शंस फिक्स है जो हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसमें नीचे लिखो लिखो सम रिएक्शंस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज दे आर ऑलवेज कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसमें ये ऑलवेज कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करोगे, ये रिएक्शन कभी बैकवर्ड जाएगा ही नहीं। इवन ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि अगर दोनों कंसंट्रेटेड हुए तो हो सकता है एक्सप्लोजन भी हो जाए। तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही पावरफुल रिएक्शन है। तो इससे क्या बनेगा, इससे आपके पास बनेगा NaCl। अरे भाई सॉल्ट, ये तो पता ही बचपन के रिएक्शन है। तो NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ध्यान रखना, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। आप बोलोगे सर अगर वीक हो गए तो, अरे भाई अगला जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में यही लेने, एसिड और बेस लेने करेंगे। वीक वाले के केस का रिसर्च आगे, टेंशन ना लो, सब आएगा। सेकेंड, अगर किसी रिएक्शन में मान लो प्रेसिपिटेट बन गया, आप बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, अरे मान लो आप टेस्ट ट्यूब में मान लो रिएक्शन करवाते हो तो जो नीचे बैठ जाता है, नीचे सेटल हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो बैठ जाएगा तो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वैसे रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। तो उसमें नीचे लिखो इफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर। अच्छा, जैसे कुछ फेमस प्रेसिपिटेट लेते हैं भाई, NaCl प्लस AgNO3। तो सबको पता है कि ये तुरंत बनाते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट और प्लस NaNO3, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो ये हमेशा इजीली हो जाएगा। एक इसमें थर्ड लिखो इफ गैस इज रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर, देन इन ओपन कंटेनर को अंडरलाइन कर लेना है, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो मतलब क्या हुआ, अरे जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने इसको हीट किया तो इससे बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। मान लो बैकवर्ड जाना है सपोज करो, तो दोनों चाहिए ना भाई, तभी तो जाएगा। ओपन कंटेनर ये उड़ गया, तो फिर जब ये है ही नहीं तो कैसे बैकवर्ड जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इरिवर्सिबल। दो बातों को ध्यान रखना, एक तो अगर एरो कभी डाउनवर्ड होता है तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब वो टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो गया।
अगर ऐसा एरो, इसका मतलब कि कंटेनर ओपन था, गैस उड़ गया, बाहर निकल गया, ठीक है। हाँ, ये अगर क्लोज कंटेनर में होता तो इक्विलिब्रियम हो जाता, क्योंकि तभी उड़ नहीं पाता। मान लो आपने इसको बांध दिया, क्लोज कर दिया, तब हो भी जाता, पर ओपन है, उड़ गया तो कहाँ होगा। तो दो एक दो बातों को और ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है या किसी रिएक्शन में अगर गैस बनता है तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिफर किया जाता है रिएक्शन में, और वैसे रिएक्शन नॉर्मली फिर इरिवर्सिबल होता है, मतलब वैसे रिएक्शन पूरा का पूरा रिएक्टेंट नॉर्मली उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स रिएक्शन है जहाँ पे आप कंफर्म कह सकते हो कि भाई ये इरिवर्सिबल है। कौन कौन से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर प्रेसिपिटेट बना तो, या फिर कहीं गैस उड़ गया इन ओपन कंटेनर तो। अदरवाइज आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता पाओगे कि वो रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल, आपको उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है, अदरवाइज आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसमें आता है फिर नीचे लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, नीचे लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन, लिखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंट करने का आपका पर्सनल चॉइस है, एरो दोनों दिखाना है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ठीक है। आपका अगर मन करे तो पूरा एरो बना दो, अरे मन कर रहा है बना दो, पर इसको क्या पूरा एरो बनाने में क्या होता है, इसको फिर उठा के फिर ऐसे करना पड़ता है तो टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। अच्छा फिर मेहनत नहीं करनी तो ऐसे कर दो। तो आप बोलोगे सर कौन सा करें, अरे भाई जो कर दो दोनों सही है, ठीक है, पूरा एरो बना दो आधा एरो बना दो, दोनों करेक्ट, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो एरो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मतलब, और फिर इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन इसमें कभी भी नहीं रुकता है। होगा क्या, यहाँ पे अब जिस रेट से ये इधर जाएगा, मतलब सपोज करो जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा जिस रेट से, उसी रेट से रिएक्टेंट बन जाएगा, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि रिएक्शन रुक गया, पर रिएक्शन कभी नहीं रुकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इज, बल्कि उसमें लिख लो भाई इक्विलिब्रियम लिख लो भाई, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज रिएक्शन नेवर स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो इट अपीयर्स दैट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट बट रिएक्शन नेवर स्टॉप, ठीक है। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पे सबसे पहली बात, रिएक्शन रुकता नहीं है। अब यहाँ पे जिस रेट से फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से बैकवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, रेट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का ये सेम होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों के रेट सेम होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। और दूसरी बात, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का अमाउंट सेम है, मैंने बोला अमाउंट कांस्टेंट होगा। तो लोग कई बार बोल देते हैं कि सर अमाउंट सेम होगा, अरे अमाउंट क्यों सेम होगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इक्विलिब्रियम पे दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जिस रेट से फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से बैकवर्ड आएगा, ठीक है। कितना अमाउंट होगा क्या होगा, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या था, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कितना प्रोडक्ट बना कितना ये बचा, यही पूरे चैप्टर में करना है, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक, इसलिए ये सेम नहीं होगा, अब क्या होगा वो आगे करेंगे, यही करना है चैप्टर में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे दूसरा क्या होता है, याद रखना है कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझ लो फिर मोल समझ लो, जो भी समझना चाहो। अब बोलोगे सर कंसंट्रेशन क्या, नॉर्मली कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, ठीक है। तो अगर बोला जाए कंसंट्रेशन,
तो मेनली कंसेंट्रेशन का मतलब है मोल बाय वॉल्यूम, दैट इज मोलारिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों के मोल कांस्टेंट हो जाएंगे और कंटेनर तो मान लो फिक्स है, तो वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, तो मतलब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो, मोल भी बोल सकते हो, आप दोनों के लिए फ्री हो, ठीक है। कंसेंट्रेशन और मोल ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, कम ज्यादा क्या होगा हमें कोई आइडिया नहीं, अभी बस बोले दोनों कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे आएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे, इस पे कुछ चीजें करनी है, पर पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, पहले कुछ और चीजें लिख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। एक एक करके मतलब इस पे मतलब कि ये जो लिखा है ना रेट ऑफ कंसेंट्रेशन, इस पे कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, आते आते हैं, पहले कुछ और भी कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले बात डेल्टा जी, अरे अभी तो बताया है थर्मो में पिछले वाले ही चैप्टर में, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। तो याद रखना है कि गिब्स मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम, तो नीचे लिखो लिखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज जीरो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास जीरो होती है, ठीक है। ये अब हम लोग इसके अलावा कुछ और चीजों को समझते हैं, जैसे ही जो इक्विलिब्रियम इसको क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब थोड़ा क्लासिफिकेशन देखो, पहले समझो जो काम की चीजें नहीं है ज्यादा उसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे मान लो मैं नहीं लिखवाया काम का क्योंकि है नहीं, तो लिख लेते हैं, और फिर जो काम की चीज़ है वही पूरे चैप्टर में करना है, तो उसको आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो जो इक्विलिब्रियम जो होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, यहां पे सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज होता है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो इन फिजिकल इक्विलिब्रियम नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन दिस ओनली स्टेट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। मतलब जैसे मान लो जीरो डिग्री पे क्या होता है, वाटर जो होता है वो सॉलिड से जाता है वाटर लिक्विड में, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों होते हैं, मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं जीरो डिग्री पे, तो वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड जा रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज है। तो ये क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम। और जैसे एग्जांपल 100 डिग्री पे जैसे वाटर लिक्विड से वाटर आपके पास जाता है गैस, तो यहां पे सिर्फ स्टेट का चेंज, तो जो भी स्टेट का चेंज होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वही फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मान लो CO2 सॉलिड, अगर CO2 गैस में जाता है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पे स्टेट का चेंज है। या जैसे मान लो अगर आप किसी भी चीज को मतलब अगर आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्यूट में सॉल्युबल करते हो, सॉल्युबल कर रहे अगर रिएक्शन नहीं करना, तो सॉल्युबल कर रहे हैं तो उसमें कोई रिएक्शन थोड़ी नहीं हो रहा, बस वो डिजोल्व हो गया। मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास NaCl है, ठीक है, आपने इसको पानी में डिजोल्व कर दिया, तो ये बन जाता है NaCl, मान लो वाटर में भाई रख दिया डिजोल्व हो गया, तो बन जाता है NaCl एक्वस। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, पहले वो सॉलिड था, ये क्या है कि एक्वस बन गया। ये जो सारे इक्विलिब्रियम ये आपके पास कहलाएंगे कैसा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बस स्टेट का चेंज होता है, सॉलिड टू एक्वस, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे स्टेट का चेंज होगा वो क्या कहलाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ज्यादा कुछ करना है नहीं चैप्टर में, तो इसलिए मैंने पहले से क्लियरली बता दिया कि भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जहां पे स्टेट का चेंज होता है। अब चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो इसमें नीचे लिखो लिखो इन केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इन दिस रिएक्टेंट इज डिफरेंट एंड प्रोडक्ट
एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे एन टू गैस प्लस थ्री एस टू गैस, इससे बनता है टू अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, अमोनिया बन गया। तो जहां पे ऐसा कुछ आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो और जैसे ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें नीचे लिखो, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप। पहला है होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज, होमोजीनियस लिखते समझ में आ गया, आगे दूसरा वाला क्या, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो होमोजीनियस का मतलब ये है कि सब कुछ एक ही स्टेट में है, मतलब आपको एक ही चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें मतलब नॉर्मली सारे के सारे गैस होंगे, होमोजीनियस में सारे के सारे गैस होंगे, जैसे सारे के सारे एक सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अरे मान लो पानी में नमक भी मिला दिया, चीनी भी मिला दिया, तो दोनों डिसॉल्व होगा तो आपको एक ही दिखाई देगा, तो होमोजीनियस। और हेट्रो में एक से ज्यादा स्टेट। हम लोग चैप्टर में पहले जो भी करेंगे सब होमोजीनियस पे होगा, हेट्रोजीनियस पे ज्यादा कुछ होता नहीं है। जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हेट्रोजीनियस के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे, वही थोड़ा सा मतलब आधे घंटे का टॉपिक है, तो ये लास्ट में करेंगे, पहले सारा फोकस होमोजीनियस पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो होमोजीनियस क्या होता है, इसमें नीचे लिखो, लिखो इन दिस मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम दोनों होते हैं, इन दिस मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपीयर सेम टाइम, मतलब या अपीयर एज अ सिंगल आइडेंटिटी एंटिटी, अपीयर्स लिख लो एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब एक ही जैसा दिखाई देगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपीयर्स एज सिंगल एंटिटी, दैट इज इन दिस वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दे अपीयर सेम, ठीक है। तो वो एक ही जैसे अपीयर होते हैं, ठीक है। ये होमोजेनस में एक ही जैसे अपीयर होंगे, जैसे मान लो गैस का मिक्सर, जैसे मान लो आपके रूम में गैस का मिक्सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सब एक ही अपीयर होता है, तो जहाँ पे एक ही नजर आए वो होमोजेनस, ठीक है। हेट्रोजेनस में लिखो, होमोजेनस का एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। हेट्रोजेनस में लिखो, लिखो इन दिस मिनिमम टू टाइप्स ऑफ एंटिटी अपीयर्स, दैट इज इन दिस मिनिमम टू सब्सटेंस अपीयर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, कम से कम दो सब्सटेंस अपीयर होंगे, मतलब आपको दो चीजें दिखेंगे। इन दिस मिनिमम टू सब्सटेंस अपीयर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में डिटेल में आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे। हेट्रोजीनियस मान लो भाई, कोई एग्जांपल लिखना चाहो लिख लो, मान लो अगर ये क्लोज कंटेनर में होता है, क्लोज कंटेनर में, तो ये हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। CO2 अलग अपीयर होगा, ये अलग अपीयर होगा, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, बाकी इसका हम डिटेल में आगे करेंगे, हेट्रोजीनियस अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में कम से कम दो एंटिटी दिखाई देगी, मतलब कम से कम दो सब्सटेंस दिखाई देंगे कम, और होमोजीनियस में सिर्फ एक ही नजर आता है। पहले सारा केस होमोजीनियस पे ही करेंगे, और हेट्रोजीनियस में हम लोग क्या होगा केस को लास्ट में अलग से करेंगे, ठीक है। ये तो कुछ क्लासिफिकेशन होगा इक्विलिब्रियम के। अब हम लोग आते हैं फिर से, अब नीचे हेडिंग लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक समझ लो चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब हम लोग चैप्टर को प्रॉपरली केमिकल इक्विलिब्रियम पे फोकस करते हैं, अब यहाँ से काम की बातें करेंगे और इस चैप्टर को पूरा समझेंगे, देखो कि क्या होता क्या है। तो अब देखो इसको समझते हैं प्रॉपरली, मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ, N2 प्लस 3S2 से मान लो बनता है अमोनिया, ठीक है।
मैं आपको प्रॉपरली ये समझाने जा रहा हूँ कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम बनते कैसे, इसको पूरा फील करवाने कि ये एक्चुअल में है क्या। जब तक चैप्टर आपको पूरा फील नहीं होगा तब तक आप इसको मतलब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। वैसे ये चैप्टर बहुत बहुत ईजी चैप्टर है, नॉर्मली लोगों को सब समझ में आ जाता है, इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप भी बस थोड़ा सा ट्राई करो, सबसे बन जाएगा कोर्स मतलब चैप्टर। देखो अब होता क्या है, सपोज करो कि एक कंटेनर है, मतलब मान लेते हैं सब पीछे जो कंटेनर है, मैंने क्या किया इस कंटेनर में, मैंने क्या किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को प्लेस किया। मान लेते एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को प्लेस किया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा कंटेनर में, स्टार्टिंग में क्या होगा, आप ऐसे सोचो, अरे ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है, आप आराम से सोचो, आराम से लेमैन के जैसे। स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों अरे गैस है, टकराते रहेंगे, कोलिजन होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जब टकराएंगे तब ये क्या बनाएगा, अमोनिया, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में कंटेनर में सिर्फ क्या है, तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो अब ये दोनों में कोलिजन होने के चांस बहुत हाई है, तो सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होगा, अमोनिया बनने का जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बहुत हाई होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो दोनों में कोलिजन होगा और रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, आराम से सोचो लेमैन के जैसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन टकरा रहे हैं तो इनका अमाउंट कम हो रहा है, अच्छा अमाउंट कम हो गया, मोल कम हो गया, तो जब मोल कम होगा तो इनके अब कोलिजन होने के चांस कम होंगे, अरे जब कोलिजन होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तभी तो अमोनिया बनेगा। ये देखो ये तो गैस है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नाइट्रोजन को दिखा हाइड्रोजन लो टकरा, अरे तो रैंडम मूवमेंट होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रैंडम, ऐसे घूम रहे हाइड्रोजन से टकरा गए तो अमोनिया बन जाएगा। वो स्टार्टिंग में सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन होंगे तो टकराने के चांस ज़्यादा है, अमोनिया के बनने का रेट फास्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, मतलब कुछ देर बाद इनका अमाउंट कम हो जाएगा और अमोनिया भी बढ़ जाएगा, तो फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टकराने के चांसेस कम होने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, जब इनके टकराने के चांस कम होंगे तो अमोनिया बनने का जो रेट होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो अब अमोनिया क्या होगा, धीरे मतलब धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। अब समझो क्या होगा, जो अमोनिया जो बन गया है, ठीक है, अमोनिया भी हो सकता है कि अब गैस है वो भी किसी से टकरा सकता है, अमोनिया मान लो नाइट्रोजन से टकरा गया तो कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन से टकरा गया तब भी कुछ नहीं होगा, पर अमोनिया एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पर मान लो अमोनिया अगर वॉर, मान लो अमोनिया बहुत स्पीड में है, वॉर से खटाक से टकरा गया, तो जैसे टकराएगा तो अमोनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अमोनिया क्या बना देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो स्टार्टिंग में क्या है कि देखो कंटेनर में अमोनिया नहीं है, तो जब अमोनिया ही नहीं है तो फिर वही जब है ही नहीं तो वॉल से कैसे टकराएगा, तो ये नहीं बनते। धीरे धीरे देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में समझो, फिर से समझो आराम से। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, अमोनिया बनने का रेट बहुत फास्ट है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मान लो 5 मिनट बाद क्या हुआ, इनका अमाउंट कम हो गया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने का रेट कम हो गया, ठीक है। अब कंटेनर में अमोनिया भी आ गया है, तो अमोनिया भी क्या होगा, टकराएगा वॉल से, और फिर अमोनिया से भी क्या बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। पर अभी क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा है तो बनेगा तो अमोनिया ही, पर पहले से कम स्पीड में, मान लो पहले स्पीड ज़्यादा थी अब स्पीड कम हो गई, और क्योंकि अमोनिया भी बन गया है तो इससे रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा लिखते स्टार्टिंग में, तो देखो ये होगा, थोड़ी देर बाद देखो ऐसा ऐसा लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से टकराएगा थोड़ी देर बाद, मतलब पर अभी आगे जाने का रेट क्या है, बहुत फास्ट है, और कंटेनर में थोड़ा सा तो अमोनिया आ गया होगा तो रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड भी आना स्टार्ट होगा। स्मॉल एरो एक्चुअल में एरो का जो साइज होता है वो ये इंडिकेट करता है, रियल में एक्चुअल में अगर दो ऐसे एरो है तो उसमें एरो का जो साइज होता है वो ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अब रिएक्शन देखो, अब देखो पहले तो सिर्फ यही थे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड, मतलब ये क्या है इनिशियल, टी इक्वल टू जीरो इनिशियल, ये आपका टी इक्वल टू टी मतलब एनी टाइम, मतलब कोई रैंडम टाइम पे क्या होगा, मतलब तो क्या होगा अभी, अरे कोई रैंडम टाइम पे क्या हुआ, इसका अमाउंट कम हो गया तो फॉरवर्ड जाने का रेट कम होने लगा, ठीक है। कंटेनर में अमोनिया बन गया है तो अमोनिया भी वॉल से टकराएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगा, ठीक है। देखो अब होगा क्या, पर अभी फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है तो अभी रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा, अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, अमोनिया बढ़ता जाएगा और इनका अमाउंट कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा,
फॉरवर्ड का रेट कम होता जाएगा और बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। काफी देर बाद मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा हो जाएगा कि अब जिस रेट से ये अमोनिया को मतलब बनाएगा, मतलब अब उसी रेट से अब अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो जिस समय फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाएगा तो वो कहलाएगा टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये देखो तीन स्टेट होते हैं, एक इनिशियल जहां पर रिएक्शन से फॉरवर्ड जा रहा था, थोड़ी देर बाद रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आ रहा था पर फॉरवर्ड का रेट अभी भी फास्ट है, और थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो ये आपके पास कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें नीचे के एग्जाम मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टाइम में बोलूंगा, तो नीचे लिखते कहानी लिखते इसमें, तो नीचे लिखो लिखो इन इन बिगिनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन बिगिनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, सो रिएक्टेंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, विथ टाइम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सब कुछ लिखते रहो, विथ टाइम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, बट स्टिल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो एट दिस टाइम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट, सो दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो वंस और ओ एन सी, वंस अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट रिएक्शन स्टिल goes in both forward and backward direction. At this time, both rate becomes constant. At this time, both rate becomes same. So, amount of reactant and product appears constant. ठीक है, तो ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो मैंने इंट्रो बताया। ठीक है, और ये एरो आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एरो का जो लेंथ होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे दोनों का एरो सेम बनाना है। ठीक है, अब देखो होता क्या, अब आप एक लेमैन के जैसे सोचो कि हमको कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब हमको भाई कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम आ गया, तो हम लोग इक्विलिब्रियम ये कंफर्म करने के लिए इक्विलिब्रियम आ गया तो कोई ना कोई हम लोग एक्सटर्नल पैरामीटर को देखते हैं। आप बोलोगे मतलब, जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस से बनता है अमोनिया। ठीक है, तो देखो अगर इसके चार मोल कंबाइन होंगे, एक इसका और तीन इसका, अगर इसके चार मोल कंबाइन होंगे तो इसके दो मोल बनेंगे, और पता होता है आपको पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। मान लो ये कंटेनर है, तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो गैस के मोल डिक्रीज करेंगे, गैस के मोल डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, तो जब तक रिएक्शन चलता रहेगा मोल लगातार चेंज होता रहेगा, प्रेशर भी लगातार चेंज होता रहेगा। मान लो आपने इस कंटेनर में एक बैरोमीटर जोड़ दिया, अरे बैरोमीटर जो प्रेशर को मेजर करता है, कुछ देर बाद आपको क्या दिखाई देगा कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब कि अब मोल में चेंज नहीं हो रहा है, मोल में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट रहेंगे, अब उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो मतलब क्या आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम ये कैसे कंफर्म होता है, तो हम लोग कोई ना कोई पैरामीटर को देखते रहते हैं। जैसे मान लो हमने प्रेशर को देखा, अरे रिएक्शन होगा तो मोल चेंज होगा,
मोल चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। हमारे तो बैरोमीटर लगा रखा है, हमने देखा कि हमने देख रहा प्रेशर भाई चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी ना कभी मान लेते 2 घंटे बाद देखा कि प्रेशर चेंज होना बंद हो गया। प्रेशर अगर चेंज होना बंद हो गया इसका मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब मोल कांस्टेंट। मोल कांस्टेंट मतलब कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट क्या होगा, सेम हो गए। अगर मान लो ऐसा कंटेनर है तो ये कैसे रिजिड कंटेनर, एक दूसरा कंटेनर क्या हो सकता है, रेक था ना ये, पिस्टन मूविंग कंटेनर जो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर पिस्टन मूविंग कंटेनर है तो क्या होगा, तो जब रिएक्शन होगा, अब देखो उस वाले में पता है, रिजिड वाले में मैंने कहा था कि वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो मोल चेंज होगा तो फिर वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो लगातार पता चलो कंटेनर ऊपर नीचे हो रहा है। कभी ना कभी मान लेते ऊपर नीचे होते होते कभी रुक गया, अब रुकने का मतलब कि मोल चेंज होना बंद हो गया, मतलब मोल कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया। तो आप किसी ना किसी क्या होता है मतलब फिजिकल या किसी न किसी एक्सटर्नल पैरामीटर को आप देखते हो जिससे आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम आ गया। मान लो कई बार आप सोल्यूशन को मिलाते हो और होता है ना वो दो को मिला दिया, हो सकता है कोई ग्रीन हो, कोई येलो हो, कोई ऑरेंज, पता होगा ना हम लोग कई बार इंडिकेटर का यूज़ करते हो, होता। तो अगर मान लो आप रिएक्शन करवा रहे हो, लगातार कलर चेंज हो रहा है, फाइनली एक कलर पे जाके कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कलर ऑफ सोल्यूशन, वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ एक्सटर्नल पैरामीटर बिकम्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स दैट स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड इन गिवन रिएक्शन। तो अगर वो कॉन्स्टेंट होगा इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर क्या आ गया, मतलब अगर वो वही आपका मतलब अगर आपका वो कांस्टेंट हो गए मतलब उसके बाद वहाँ पे क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट को मतलब ये बताता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया मतलब बेसिक। अब हम लोग इसमें ग्राफ मतलब प्लॉट करेंगे। तो पहला अब भाई हेडिंग लिखो ग्राफ, कुछ चीज़ें ग्राफ के बारे में लिखते हैं। ग्राफ इसके मतलब ध्यान देना क्या क्या, देखो सबसे पहला मतलब हम लोगों ने जो चीज़ों को समझा अभी तक उसको ग्राफ के फॉर्म में करते हैं, फीलिंग आएगी आपको, देखो बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। रेट दोनों का सेम होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आप एक रेट वर्सेस यहां लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो या फिर कई बार लिखा रहेगा टाइम। अरे टाइम, टाइम बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, तो बात एक ही है, ठीक है। तो टाइम लिख लो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बात एक ही है, ठीक है। ये तो क्या होगा, क्या देखो ग्राफ जो है मतलब जो है ये कैसे है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये फॉरवर्ड है, और ये बैकवर्ड। देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे कम, सडनली स्पीड में कम, और फिर धीरे धीरे मतलब बैकवर्ड कम था स्टार्टिंग में 0, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर दोनों सेम हो गए, मतलब ये पॉइंट पे आपको क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। उसके बाद दोनों मतलब सेम रेट से चलते रहेंगे दोनों, पर ये कैसा स्टेट है आपका, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये पहला कर्व है रेट वर्सेस टाइम का, ठीक है। ये
अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन को लेके तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कौन ज्यादा होगा कौन कम, तो कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है। तो क्या होगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाता है कांस्टेंट। बस ये बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, कौन कम है कौन ज्यादा अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है तो देखो क्या होगा, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टाइम मतलब है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये जो है देखो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे बस। अब ये थोड़ी ना कि दोनों सेम होंगे, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है, और यहां पे मतलब कि इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये पहला केस है जहां पे क्या होगा इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, पहला केस। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो भाई इक्विलिब्रियम आ गया है, टी मतलब टी इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये केस क्या है कि यहां पे जो है कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है, तो वो सेम भी हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा भी हो सकता है, या फिर लास्ट केस हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा, कोई आइडिया नहीं है। वो तो हम लोगों को चैप्टर में यही करना है कि अमाउंट निकालना है कि किसका कितना है, रेट सेम होगा पर कंसंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं। पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों कांस्टेंट हो गए। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट पे क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट। ठीक है, ये तो सब चीजें लिख लो ये। अब देखो क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देखो इक्विलिब्रियम पे मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है कांस्टेंट, और रेट क्या होता है सेम। और देखो ऐसा नहीं होगा कि मान लो ऐसा आप बोलो कि प्रोडक्ट पता चला कि यहां कांस्टेंट हो रहा है रिएक्टेंट पहले कांस्टेंट हो गया, अरे ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। कांस्टेंट अगर होंगे तो दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट होंगे, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इसमें नीचे लिखो लिखो एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एंड बोथ बिकम कांस्टेंट एट द सेम टाइम। तो दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट हो जाते हैं, एक ही टाइम पे। ठीक है, तो देखो कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम,
ऐसा कभी कोई रिएक्शन नहीं हो सकता कि ये यही कांस्टेंट हो गया, मान लो रिएक्टेंट यहीं पे कांस्टेंट हो गया और प्रोडक्ट यहां आके कांस्टेंट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा कोई कर्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट हो गए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा रेट को बोला है, रेट सेम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, ये चीज मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। तो रेट को लेके मान लो ऐसा करवाया, तो मान लेते हैं ये बोला है प्रोडक्ट और ये बोला है रिएक्टेंट, या फिर मान लो ये मतलब रिएक्टेंट मतलब ये बोला फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बोल रहा है और ये बोल रहा है बैकवर्ड, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई कर्व होता है भी नहीं है रियल में, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पर रेट सेम होगा, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होंगे, तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो कई बार ग्राफ को ऐसा चेंज करके कंफ्यूज करने के लिए आपको आ सकता है या फिर बातें आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड रेट एंड बिकम सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बात मतलब कुछ बातों को और भी ध्यान रखना है, मतलब तो वो अभी हम लोग इसमें लिखते हैं फिर समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एक टर्म, लिखो एक्टिव मास। अब वो लोग एक्टिव मास क्या होता है, नाम से लग रहा एक्टिव, जो मास एक्टिव है, तो इसका मतलब आप पहले लिख लो ब्रैकेट में कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नीचे लिखो, लिखो एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे आप रिएक्शन को करते हो तो रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है चेंज होगा, अरे जब रिएक्शन को कर रहे थे तो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट। मतलब पहले तो समझो रिएक्शन से फॉरवर्ड जा रही थी, मतलब फॉरवर्ड जा रहा था, रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो रहा था, मतलब कि रिएक्टेंट का एक्टिव मास चेंज हो रहा था। तो किसी गिवन टाइम पे, किसी भी गिवन टाइम पे जो उसका मतलब कंसंट्रेशन होता है वो कहलाता है एक्टिव मास। मतलब एक्टिव मास का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एट दैट टाइम, मतलब उसमें जो मास एक्टिव है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। तो किसी गिवन टाइम पे मतलब जो उसका कंसंट्रेशन होता है वही कहलाता है एक्टिव मास, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो किसी गिवन टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है वही आपके पास कहलाता है एक्टिव मास। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम इज नोन एज एक्टिव मास। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं ए टाइम्स ए और बी टाइम बी, इससे मान लो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन का देखो जो रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक्टिव मास ज्यादा है, तो फॉरवर्ड का रेट ऑब्वियसली रेट फास्ट होगा, अगर कंसंट्रेशन कम हो गए तो फॉरवर्ड का रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ए मोल कंबाइन होगा तो इसका बी मोल कंबाइन होगा, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ए टाइम ए और बी टाइम बी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट फास्ट होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो आप खुद सोचो, जब ज्यादा बताए थे ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर अमाउंट कम हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अब भाई इसका ए मॉलिक्यूल टकराता है इसका बी मॉलिक्यूल टकराएगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए पावर ए पावर बी भी किया। ठीक है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, एक्टिव मास कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इफ एक्टिव मास इज हाई रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। ठीक है, और रेट एक्टिव मास कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ क्या होगा, मतलब रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें नीचे आते हैं, नीचे लिखते हैं, देखो इसमें लिखते हैं लॉ ऑफ
मास एक्शन, एक्टिव मास का बस मतलब है कंसेंट्रेशन एट अ गिवन टाइम, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर हम लोग निकालने जा रहे हैं यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि समझ लो कि एक ही फॉर्मूला या फिर समझ लो दो फॉर्मूले, मतलब हमें बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसको निकालने के दो फॉर्म होंगे बस वही, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं चैप्टर में। बहुत सिंपल चैप्टर, उसी फॉर्मूले पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में करवाता रहूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने का ही नहीं चैप्टर में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखो होता क्या है, एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, अभी हम लोग आपको पहले से बताया हुआ कि हम लोग अभी सिर्फ होमोजेनियस के बारे में समझेंगे, ठीक है, होमोजेनियस। तो देखो क्या होगा, ये फॉरवर्ड जाएगा और ये बैकवर्ड, तो देखो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फॉरवर्ड जा रहा है तो ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी के, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। आप इसको हटा दोगे तो के एफ, ये क्या होगा, ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी, ठीक है, इसमें के एफ क्या अभी लिख लेंगे अभी, और फिर बैकवर्ड के लिए करते हैं, ठीक है, ये लिख लो, फिर इसमें नीचे लिखो, लिखो वेयर के एफ इज, वेयर के एफ इज फॉरवर्ड कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वेयर के एफ इज फॉरवर्ड कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड के बी इज, एंड के बी इज बैकवर्ड कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। भाई के एफ क्या है, फॉरवर्ड कांस्टेंट, के बी है बैकवर्ड कांस्टेंट, ठीक है, के एफ इज फॉरवर्ड कांस्टेंट, के बी इज बैकवर्ड कांस्टेंट। तो अब करते हैं एट इक्विलिब्रियम, अरे ये तो लॉ ऑफ भाई एक्टिव मास, फॉरवर्ड का रेट ये, बैकवर्ड का रेट ये, ठीक है, अभी हमको कोई आइडिया नहीं, अब हम लोग आते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे देखो क्या होगा, दोनों का रेट सेम होगा, तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा वो इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के एफ टाइम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दो कांस्टेंट का रेशियो, तो यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देखो ये सब जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं ये सब कंसेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी को दिखा रहे हैं, कंसेंट्रेशन या ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट आप ध्यान रखना, ये सब कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं, मतलब ध्यान रखना ये। तो इसको हम लोग लिखते हैं के सी, वैसे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो जो होगा उसको लिखेंगे के ई, और ये होता है फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड का कांस्टेंट का रेशियो। तो ये लिख लो, तो इसमें नीचे लिखो, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट, इनका रेशियो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे देखो ये कंसंट्रेशन के टर्म में बात हो रही, तो यहां पे हम लोग के ई को कैसे लिखते हैं, मतलब देखो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड का रेशियो, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के देखो दो तरीके होंगे, सी एक कंसंट्रेशन लेंगे और आगे चल के केपी आएगा,
जब केसी होगा तो मतलब कंसेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करना है, और जब केपी आएगा तो प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना है। वैसे भी देखो ये सब कंसेंट्रेशन के टर्म में भी किया हुआ है तो वही करते हैं। तो देखो क्या होगा, तो केसी का मतलब क्या होगा, सी बस ये बताना चाह रहा कंसेंट्रेशन लिए बस, ई मतलब इक्विलिब्रियम, तो इतना साइन में कुछ कंफ्यूजन लायक है नहीं, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। स्पेशली कंसेंट्रेशन के केस में केई को लिख दिया केसी, केई को केसी लिख दिया और कुछ नहीं, तो सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आगे केपी कर लेंगे और बस उन्हीं दोनों फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका है। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में समझेंगे कि ये एक्चुअल में मतलब है क्या। तो देखो अगर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, तो इसको केएफ और इसको केबी, तो इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी क्या होगा, केएफ अपॉन केबी, इसको बस लिखा जाएगा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ये वैल्यू कम है या ज़्यादा या क्या भी कोई डिस्कस नहीं करे, बस अभी इसको लिखना सीख रहे, अभी बस लिखना सीखो। ठीक है, जैसे मान लो कि एन टू गैस थ्री एस टू गैस से बनता है टू अमोनिया। ठीक है, बस अभी कैसे लिख रहे हैं तो इसका देखो केसी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा है टू, तो इसको लिखा जाएगा अमोनिया का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे इधर वन है तो एन टू की पावर वन और एस टू क्यूब। ठीक है, क्योंकि जो भी कोफिशेंट्स है वो पावर में जा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को कभी चेंज नहीं करना है, चेंज करेंगे तब क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी बस लिखना सीख रहे हैं, आज बस लिखना सीख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और साथ में अगर कुछ मल्टीप्लाई किया और रिएक्शन को उल्टा सीधा किया तब क्या चेंज आएगा वो आगे करेंगे, अभी बस रिएक्शन को लिखना सीख रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास है सबका पावर वन वन होगा अपन पी सी एल फाइव। ठीक है, ये तो इस तरीके से केसी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बाकी केसी के प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ये सारा हम लोग काम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।